ग्यारह साल बाहर रह के आया। अच्छा। मैं 11.5 साल बाहर रह के आया कंट्री में, सऊदीया से। अच्छा। इंडियन चीज की, इंडियन को बड़ी वैल्यू है बहुत। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है। कि पाकिस्तान जो इंडिया के रिलेशन है उनमें बेहतरी क्यों नहीं आ रही? 75 साल हो गए हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है कभी भी इस तरह बेहतर नहीं हो सके। देखिए इंडिया के ताल्लुकात बाकी तमाम ममालिक के साथ बेहतर। आज पीएम मोदी जी मेरा ख्याल है वो पहुंच गए हैं फ्रांस में। फ्रांस नू मज़ा आया ना, फ्रांस नू मज़ा आया चीफ गेस्ट बनाने दा मोदी साहब नू। चीफ गेस्ट भी ले के आए हैं नाल 27 जहाज भी ले चले। When he was here, we were just almost in tears to see him. We thank him for everything he has done for our country. It felt like we saw the God. Because India is known nowadays because of Modi. पाकिस्तान मोदी से इसलिए घबराते हैं क्योंकि पता है पाकिस्तान को कि जब तक मोदी है पाकिस्तान अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो इंडिया में नहीं कर सकता। सीमा गुलाम हैदर, ठीक है, जो 4 बच्चों की एक सॉब स्टोरी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, और दूसरी जगह ये खालिस्तानी, ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखिए और बीच में कहीं है ISI और ये गेम पूरा चल रहा है इस वक्त। कभी इंडिया से कोई लड़की आई है? ये हमारे संस्कार है कि हमारी लड़कियां भागती फिर रही। दोस्तों और साथियों, मेरा नाम अली अकबर, आप देख रहे हैं ओनली सच। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मतभेद चल रहा है, उसके देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान के जो वजीर आजम हैं उनके बारे में क्या कह रही है, तो सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। तो जिस तरह की कंडीशन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की इकोनॉमी की है उस तरह की पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ की आवाम बहुत ही दुखी और परेशान है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की आला कमान है वो किस तरह का बर्ताव कर रही है, किस तरह की बात कर रही है, वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से आगे है, यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में भी और तरह तरह की चीज़ों में, यहाँ तक कि हिंदुस्तान का जो रुपये की कीमत है वो पाकिस्तान के रुपये की कीमत क्या डबल है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान की आवाम में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से अभी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म फ्रांस गए हैं, फ्रांस तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ के वज़ीर आज़म से मिले हैं, पाकिस्तान की एक प्रक्रिया होती है कि उनका स्वागत सत्कार किया जाता, उसी तरह से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का फ्रांस के वज़ीर आज़म ने स्वागत किया है। तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर यही दायरा रहा, यही अगर कंडीशन रही, तो एक दिन वह आएगा कि हिंदुस्तान बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर लेगा लेकिन पाकिस्तान वहाँ का वहीं रह जाएगा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, वहाँ की आवाम परेशान है, वहाँ का जो पॉलिटिक्स सिस्टम है वो बहुत ही नाजुक है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है, वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं वो कोई भी खास काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आटे का भाव, और यहाँ तक कि आटे के लिए, गेहूँ के लिए और चावल के लिए पाकिस्तान तरस रहा है, वहाँ की जो कीमतें हैं, वहाँ की जो महंगाई है उससे जो है परेशान हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या क्या पाकिस्तान की मीडिया ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहा है, और साथ में ये भी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के ही एक व्यक्ति ने ये कहा है कि मुल्क पाकिस्तान बहुत ही पीछे है, और वहाँ के लोग हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये कहा है कि बहुत ही अच्छे ख्यालात के लोग होते हैं। तो ये सभी जानकारी हमारी इस न्यूज़ में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन सुर्खियों के साथ
यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहे इस वीडियो में। तो अब मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके आप देखे ना फ्रांस है, देखे ना फ्रांस नु मज़ा आया ना, फ्रांस नु मज़ा आया चीफ गेस्ट बनाने का मोदी साहब नो, चीफ गेस्ट भी लै के आए हैं नाल, 27 जहाज भी लै चले नाल, जनाब सब मरीना भी लै चले नाल, कोई जोर टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी, इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे वो फ्रांस गए, पेरिस थे आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज विच इज़ अ रियलिटी। सो 11 साल बाहर रह के आए हैं, अच्छा। मैं 11.5 साल बाहर रह के आया कंट्री में सऊदीया से, अच्छा। इंडियन चीज़ की इंडियन को बड़ी वैल्यू है, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडियन का नाम बिकता है, इंडिया का नाम बिकता है, मेड इन इंडिया। देखें इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहां पर उसका स्टेटस उसका स्टेचर इस पे कोई सवाल नहीं है, इंडियन उधर बहुत अच्छे स्केल पे हैं। क्या वजह है वो भी उधर काम के, उनकी तालीम, मेरे कलीग थे आम आदमी मिडिल क्लास से, लेकिन उनकी तालीम उनकी एजुकेशन ऐसी है कि वो हमसे ऊपरले दर्जे पे उधर काम कर रहे हैं, वो सुलझे हुए लोग हैं, सावन करने वाले हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, वी कांट फॉरगेट दैट। और आप भी नहीं भूल सकते कि आपका पाकिस्तान जिन्ना के जमाने से टेररिज्म इंडस्ट्री बनाया है, ऐसे देश को हम माफ नहीं करते। लियाकत जो था ना वो इंडियन था, उमर जो था वो बांग्लादेश का था। लियाकत जो इंडियन था वो क्या कहता था मुसलमानों की क्या कंडीशन है? देखिए इधर ना बात को ज्यादा उछाल के उसको किया जाता है, ये बात हमारी गवर्नमेंट को अदारों को क्यों नहीं समझ है, समझ है उनको, ठीक है इनको नहीं पता, लेकिन ये अगर हम लोगों को उलझा के ना रखेंगे तो इनकी कुर्सी कैसे बैठेगी, ठीक है। देखे आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजर बंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। 11 साल बाहर रह के आए, अच्छा। मैं 11.5 साल बाहर रह के आया कंट्री में सऊदीया से, ये सऊदीया रिटर्न का हाल है कि हम इधर आके मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। 19,200 कुछ रुपए इस माह का बिजली का बिल दिया, 1,200 रुपया कमाने वाला 19,000 का बिल कैसे पे करेगा? 11 साल सऊदीया में रहे हैं, पाकिस्तान में डेफिनेटली पैसे भेजते होंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये आपके सामने मिसाल है, ये भी और मैं भी, ठीक है। आप 11 साल वो भी 11 साल तकरीबन वहाँ पे रहे, वहाँ पे इंडियंस भी आपके साथ होंगे, बंगाली इंडियंस सारे हैं, तो वो क्या कहते हैं अपने, वो अपने कंट्री के बारे में क्या कहते हैं? उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया है उनकी, अब हमारा 1 रुपया, हमारा 3 रुपया, उनका 1 रुपया बनता है, ऐसे ही है, ठीक है। हम अगर इधर से चीनी लेते हैं 125 की 30 की, वो ले रहे हैं 50-55-60 की, वही वो रेशो कमाई की वो उनकी है, वही रेशो कमाई की हमारी है, ठीक है। वो उनको फायदा या हमें फायदा? अच्छा मुझे ये बताएं आप 11 साल बाहर रहे, वहाँ जॉब क्या करते थे? इंडियंस किस तरह की जॉब करते थे और पाकिस्तानी किस तरह की जॉब करते थे? मेरा इलेक्ट्रिशियन का अपना काम था, ठीक है। इंडियंस उधर बहुत अच्छे स्केल पे हैं, क्या वजह है वो भी उधर काम के? उनकी तालीम, उनके एक गरीब आदमी है ना, लेकिन उसकी तालीम जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड है। आम आदमी, मैंने मेरे दोस्त है मेरे कलीग थे आम आदमी मिडिल क्लास से, लेकिन उनकी तालीम उनकी एजुकेशन ऐसी है कि वो हमसे ऊपरले दर्जे पे उधर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो क्या आपके साथ कंप्रोमाइज करते थे, कोई आपके साथ अच्छा ताउन करते थे, आपके साथ आपकी कभी हेल्प करते थे, या ये कहते थे ये पाकिस्तानी है अपनी दुश्मन? मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बांग्लादेशी भी थे और मेरे साथ इंडियन भी थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार वाले हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुलझे हुए लोग हैं। अच्छा तो हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, वो सुलझे हुए लोग हैं, सावन करने वाले हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे साथ 3.5 साल काम करते रहे हैं। क्या नाम था उनका? एक का नाम लियाकत था, एक का नाम उमर था। लियाकत जो था ना वो इंडियन था, उमर जो था वो बांग्लादेश का था। लियाकत जो इंडियन था वो क्या कहता था मुसलमानों की क्या कंडीशन है? इंडिया में मुसलमानों की वो क्या कंडीशन बताता था? देखिए इधर ना बात को ज्यादा उछाल के उसको किया जाता है, ओवरऑल उनको देखे ना तो वो खुद भी मुसलमान था, मुसलमान था तो उधर रिस्पेक्ट के साथ काम कर रहा था, अपने कंट्री से प्यार करता था, वो बिल्कुल करता था।
क्यों नहीं करता था वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था, वो पाकिस्तान या वो नेपाल या इधर उधर तो नहीं भेजता था, इंडिया भेजता था। अच्छा आप देखें, इसे कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब ये लोग इंडियन से मिलते हैं किसी फॉरेन कंट्री में जाके, तो ये कहते हैं नहीं 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 भाई वो अच्छे हैं, जबकि वो लोग जो कभी ना तो इंडिया गए ना कभी किसी इंडियन से बात की, और हमें बस जो मीडिया में देखा, हमने बुक्स में देखा और हमने अपने माइंड में बिठा लिया, वो दुश्मन है, वो नफरत करते हैं। दुश्मनी एक अलग मैटर है। मैंने उधर ऐसे भी देखे हैं जो हिंदुइज्म में थे, हिंदू थे, जो मेरे साथ एक दो लड़के फैक्ट्री में जो ना काम भी करते थे जो हिंदू थे। क्या नाम? लेकिन शायद रमेश था, पता नहीं, एक कुमार करके था, ठीक है। लेकिन वो भी बिहेवियर के हिसाब से ना बड़े अच्छे थे, ठीक है, खाना वगैरह वो अपना लक्ष्य खाते थे, लेकिन बिहेव जो उनका था ना, बातचीत करने का तरीका कर, वो बड़े अच्छे थे। अगर ये बात आपकी समझ में आ सकती है, आपके माइंड में आ सकती है कि वो लोग नफरत करने वाले नहीं है, ये बात हमारी गवर्नमेंट को, अदारों को क्यों नहीं समझ है उनको, ठीक है इनको नहीं पता। लेकिन ये अगर हम लोगों को उलझा के ना रखेंगे तो इनकी कुर्सी कैसे बैठेगी, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे? अब चावल देख लें, चावल ही पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान से बाहर जाता, बाहर से महंगा वापस लिया जाता है। पाकिस्तान चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है, पाकिस्तानी चावल आपने देखी वैसे वहाँ पे मार्केट में, ये पाकिस्तानी चावल इंडियन स्टैंप लाके बिकता है पाकिस्तानी चावल। यानी इसका मतलब ये है कि दुबई वाले उन पे ट्रस्ट करते हैं। बाहर आप शायद गए हो, आपने देखा होगा बाहर इंडियन चीज की, इंडियन की बड़ी वैल्यू है, बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो इंडियन का नाम बिकता है, इंडिया का नाम लिखते हैं, मेड इन इंडिया वो प्रोडक्ट। एक बात बोल, अभी इंडियन है ना, उधर इंडियन अपने प्रोडक्ट देखते हैं ना, वो बोलेंगे यार ये सही है, यही लेनी है। हम पाकिस्तानी, हमारी प्रोडक्ट ही ऐसी नहीं है कि हम वो ले सके। आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, क्योंकि जो दर्द हिंदुस्तान सह चुका है हाफिज सईद और अजमल खत्तब और याकूब मेमन की वजह से, हिंदुस्तान अब वो दर्द नहीं सहेगा। जो मासूमों की जान हमारी आंखों के सामने गई है, जो नॉर्मल एक बंदा जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी जान अजमल खत्तब के द्वारा ली गई है, ऐसे देश को हम माफ नहीं कर सकते। वी कांट फॉरगेट दैट। और आप भी नहीं भूल सकते कि आपका पाकिस्तान जिन्ना के जमाने से टेररिज्म इंडस्ट्री बनाया है। क्या ऐसा हम करें कि इंडिया को जो इशू है, मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है, तो ऐसा क्या किया जाएगा जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के एतराजात है। देखे, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजर बंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त, आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियस